उससे वादा करूं। मुझे मरते ही अपने बाबा जान से अपनी सगी मां के बारे में जरूर पूछूंगी। अल्लाह ना करे अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप। लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ से मिलो। अच्छा जल्दी से प्रपोज कर लो ताकि तकल्लुफ और डिस्टेंस खत्म हो जाए और हम आगे की जल्द से जल्द प्लानिंग कर लें, ठीक है? ये क्या कह के चलेंगी? तुम्हें इतना अच्छा लगता है क्या मोजिस? हाँ, अगर तुम उससे प्यार नहीं करती ना तो मैं उसे प्रपोज कर देती। नहीं, तुम्हारा दिल चाहे तुम बताओ और अगर नहीं तो रहने दो। So sweet of you. वो बात ये है दरअसल कि मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ, और कोर्ट मैरिज करके सेपरेट रखने के लिए तैयार है। कल रात ही मुझे फोन करके कहा उसने हुरमत। एक मिनट, कोर्ट मैरिज? वो रिश्ता लाने या निकाह के लिए राजी नहीं हुआ? ये हाँ ना, क्योंकि उसे मैंने खुद ही कहा ना, मैं उसे ये थोड़ी कह सकती थी कि मैं हुरमत। हाँ, लेकिन घर छोड़ने की बात जरूर हुई थी, मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो आज ही घर छोड़कर चले जाएंगे। अरे ऐसे कैसे वो घर छोड़कर जा सकता है? तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई है, फोन करके पूछ लें। जलाल, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये कोई हल नहीं है। कभी ना कभी बात तो करनी पड़ेगी ना मोजिस। हाँ हाँ, बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, लेकिन शादी के बाद। हुरमत, हमारे बाबा जान मेरी मेडिसिन लेने गए थे, अभी तक नहीं आए। उस जुबान के नीचे रखने वाली मेडिसिन भी खत्म हो गई है। क्यों अम्मी जान, आपको फिर से पेन महसूस हो रहा है? नहीं, बस घबराहट सी हो रही है। हुरमत बेटा, तुमने मुझसे वादा किया था कि अपने बाबा जान से अपनी माँ के बारे में अभी कुछ नहीं पूछोगे। अम्मी जान, मैंने तो बाबा जान से कुछ भी नहीं पूछा। मैं तो आप ही को अपनी अम्मी जान समझती हूँ और समझती रहूंगी। मेरे लिए तो ये हकीकत कबूल करना ही। सुनो बेटा, मुझसे वादा करो, मुझे मरते ही अपने बाबा जान से अपनी सगी मां के बारे में जरूर पूछोगी। अल्लाह ना करे अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप। लेकिन बेटा मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी माँ से मिलो। शाजी, जिस तरह तुम्हें तुम्हारी माँ से छीन कर लाए थे, वो मंजर मेरी आंखों के सामने आता है। जैसे तुम्हारी माँ की गोद से तुम्हें छीन कर भाग रहे हो। मैं पागल हूँ? मैं किसी कीमत में बच्ची को नहीं छोड़ूंगा। हमारी बच्ची, मैं बच्ची को नहीं छोड़ूंगा। मैं इस गरीब गांव में नहीं छोड़ सकता अपनी बच्ची को। हट जाओ मेरे पास, हट जाओ। मैं कह रहा हूँ छोड़, मैं नहीं छोड़, मैं नहीं लगू, मैं अपनी बच्ची को नहीं छोड़ूंगा यहाँ पर। वादा करो हुरमत, मेरी आंख बंद हो गई। तुम अम्मी जान, मेरी माँ से मिलने का मुतालबा करो। मेरी रूह को जब भी करार आएगा बेटा, वादा करो। मैं आपसे वादा करती हूँ। चले, अब आप थोड़ा आराम करें। जलाल,
हुरमत, हुरमत बेटा। जी बाबा जान। चलो बेटा मम्मी की दवाएं। बाबा जान मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं बेटा, ये बताओ मम्मी की तबीयत कैसी है? बेहतर है, अभी थोड़ी देर पहले ही सोई है। अच्छा चलो मैं तेरा काम से जा रहा हूँ। अफसोस, हम एक तवायफ ही हैं। जब एक मखसूस ठिकाना है आप लोगों का तो पूरे शहर में क्यों फैल रहे हैं आप? इज्जतदार कहलाने के लिए। तो फिर इज्जत वाले काम क्यों नहीं करते? तो आप यहाँ क्यों तशरीफ लाए अपनी तौहीन करवाने के लिए? हमारे कुछ लोग हमारे ही जान के दुश्मन हो गए, अपनी जान बचाने के लिए हम वहां से भागे। आपका दरवाजा खुला हुआ देखा तो यहाँ पना लिए। तो फिर आप ही बता दें कि हमारे लिए क्या हुक्म है। मुसलमान की जान और इज्जत पर बनाए तो अल्लाह ताला ने हराम को भी हलाल करार दिया। इतने मुहज्जब अंदाज में हमें गाली देने वाले आप हैं कौन? हम हैं सरदार जलालुद्दीन शाह। ओ, तो आप हैं जलालुद्दीन शाह। बहुत सुना है आपका। जलाल साहब क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं बस। अगर कोई और होता तो हम उसी वक्त उन लोगों के हवाले कर देते, मगर क्या करें, आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, इसलिए हम पहले से ही आपके पुरस्कार थे। शुक्रिया। इस लिबास में आप ज्यादा मुनासिब लग रही। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे घर में पना ली और हमें इज्जत बख्शी। अगर आपको नागवार ना गुजरे तो हम कुछ और दिन यहाँ पना लेना चाहते हैं। हम भी यही चाहते। हाँ, हमारे कहने का मतलब है कि टीवी पर जो खबरें सुन रहे हैं उसके मुताबिक तो इस वक्त आपका बाहर निकला मुनासिब नहीं। कैसी खबरें? जो लोग आपके खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे उन्होंने अपोजिशन पार्टी से रजू किया है, और आप तो जानते हैं अपोजिशन पार्टी को तो कोई ना कोई इशू चाहिए दूसरी पार्टी को मुश्किल वक्त देने के लिए। कुल बेगम मुख्तसरन बताइए कि हुआ क्या है? लोग आपको ढूंढ रहे हैं, किसी भी चौराहे पर आपको फांसी देने के लिए या आपका तन सर से जुदा करने के लिए। Thank you.
मम्मा मम्मा हाँ क्या हुआ? आपने कुछ बताया नहीं। क्या नहीं बताया? यही कि डॉक्टर गनबा को छोटी बहन बनाकर लाई है या बहू? पता नहीं, मैं उधर गई नहीं। क्यों? वीपीआई हो गया था इसलिए वापस घर आ गई। अच्छा, अब मौजिज़ भाई को फोन किया? उसका फोन बंद ही जा रहा है। अच्छा चलें छोड़ें, अब साथ में डिनर कर लेते हैं आज। अब नहीं बा, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, तुम खा लो खाना। मम्मा आपको पता है ना हम डिनर साथ में करते हैं। मौजिज भी तो हमारे साथ होता था ना। अच्छा अब ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मैं खाना लगवा रही हूँ, जल्दी से आ जाए। ऑन करूं या नहीं करूं, क्या करूं मैं? मौजिस जी, गनबा जी, खाना खाओगे? कुछ बना दो। नहीं नहीं अभी तो खाना खाया आपके साथ मैंने, भूख नहीं है, मैं जरा थका हुआ हूं, सोऊंगा। अच्छा चलो ठीक है, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना या फोन कर देना, मैं अपने बेडरूम में ही हूँ। नहीं नहीं मैं आपको डिस्टर्ब क्यों करूंगा, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन देखो तुम्हारा बेडरूम वो रहा और मेरा बेडरूम ये रहा, और हाँ रात को मैं फोन साइलेंट करके सोती हूँ, इसीलिए अगर तुम चाहो तो तुम मेरे बेडरूम में आ सकते हो। क्या समझा नहीं? अच्छा जल्दी से प्रपोज कर लो ताकि तकल्लुफ और डिस्टेंस खत्म हो जाए और हम आगे की जल्द से जल्द प्लानिंग कर लें, ठीक है? क्या कह के चलेंगे? प्लानिंग कर लो, प्रपोज कर लो, डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्या हो गया? नहीं तो थक मैं गया हूं, स्ट्रेस से नहीं हो रहा है। यार बहुत तंग करके रखा हुआ है उस नदीम ने, हर वक्त दरवाजे पे खड़ा रहता है मेरी सारी रूटीन देखने के लिए। अरे भाई शादी बहाने से टाली तो मंगनी की रट लगा ली, घर पर पहुंची तो अब्बा ने पता है क्या बोला, कल परसों तुम्हारी मंगनी कर रहे हैं, हद ही हो गई। मतलब तो जब मौजिज शादी के लिए तैयार है तो उससे बोलो घर पे रिश्ता लेकर आए। अरे नहीं यार, उसकी अम्मी राजी नहीं हो रही। असल में उसके जो घर वाले हैं ना वो हमसे थोड़े ज्यादा पैसे वाले हैं, तो बस इसीलिए ना हमने भागने का प्लान बनाया है। मौजिज कोर्ट मैरिज पे राजी है? मौजिज राजी ना भी हो ना तो मैं भागकर किसी काले चोर से शादी कर लूंगी, लेकिन उस मोची से तो कभी नहीं करूंगी। बुरी बात है खुशबू, किसी को ऐसे नहीं बोलते। जिन्हें तुम बुरे अल्फाज कह रही हो, जब तुम्हें पता चलेगा कि हमारी तो जात ही यही है, तो फिर तो तुम शायद मेरी शक्ल भी देखना गवारा नहीं करोगी। कहाँ खो गई? हाँ कहीं नहीं, मैं यही सोच रही थी कि तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी असली अम्मी कौन है? वैसे कोई तस्वीर वगैरह है तुम्हारे पास उनकी? अम्मी तो कह रही थी कि बाबा जान के पास कोई पुरानी तस्वीर है, हमने काफी ढूंढा लेकिन नहीं मिली। वैसे उर्मत जरा सोचो, अगर बिल्कुल फिल्मों की तरह जलालुद्दीन की असली बेटी उर्मत मैं निकल आई और तुम कोई और, तो फिर क्या होगा? तब हम सिर्फ जगहें बदलेंगे, दोस्ती हमारी फिर भी रहेगी। ऑफ कोर्स यार, जाहिर है। अब जैसे तुमने अपनी एक फिल्मी सिचुएशन बताई है, मैं भी अपनी एक सिचुएशन बताऊं? बोलो, वो क्या? मेरा दिल कहता है कि मौजिज का ना एक जुड़वा भाई हो और उसका रिश्ता मेरे लिए है, और फिर हम दोनों देवरानी जेठानी बन जाए। मगर जुड़वा क्यों? मौजिज का छोटा या बड़ा भाई भी तो हो सकता है। नहीं नहीं पता नहीं बड़ा भाई कैसा हो, मौजिज जैसा होना चाहिए। क्या तुम्हें इतना अच्छा लगता है क्या मौजिज? हाँ, अगर तुम उससे प्यार नहीं करती ना तो मैं उसे प्रपोज कर देती। अरे मजाक कर रही हूँ बाबा, चुप क्यों हो गई? नहीं अच्छा मुझे लगता है कोई शायद आ रहा है,
चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? चलो ठीक है, बाय। दापेस। अजीब सी बात की है उर्मत ने, भला ये बात कोई करने वाली थी? मौत से अच्छा लगता है। मुझे अंदाजा नहीं था कि हालात इतने ज्यादा खराब हो जाए। अब आपको अंदाजा हुआ कि इंसान हालात के हाथों में कितना मजबूर हो जाता है? क्या मतलब है आपका? यही, जो नाच देखने गाना सुनने आते वो लोग भी खुदा को मानते, लेकिन यकीन करें उनकी गलीज नजरों और गंदे फिक्रों से हम इतना जलील नहीं हुए जितना आप जैसे मुहस्सब लोगों के चुभते हुए जुमलों से। माफ कीजिएगा खुलजान, अगर आपको हमारे चुभलों से कुछ तकलीफ पहुंची है, लेकिन यकीन करें ये जो कुछ हमने कहा है वो इसलिए कि आप शर्म खा के पेश अच्छे होते। हम नस्लन तवाइफ नहीं, हमारी माँ माजदा बेगम तो वाइफ नहीं थी, बस हालात से मजबूर होकर हम तो वाइफ बन गए। जैसे आज आप मजबूर होकर एक तो वाइफ के घर बना लेकर बैठे। खुशी हुई ये बात सुनकर, हम यही सोच रहे थे कि आप में तवाइफों वाली कोई बात नहीं। क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आप इस गंदगी से बाहर निकलें? गंदगी गंदगी नहीं, ये दलदल है जलालुद्दीन शाह साहब, और दलदल से कोई इंसान तभी बाहर निकले जब उस दलदल के बाहर कोई खड़ा शख्स उसका हाथ थाम कर बाहर निकाले। तो शायद वो मुझे माफ भी ना करे। ये लीजिए। ये क्या है जलाल? तलाक। लेकिन हमारा क्या कसूर? कसूर पूछ रही हैं आप? हमने शर्त रखी थी कि निकाह के बाद आप उस गलीज माहौल में नहीं जाएंगी। आप बार बार जाती रही हमारी इजाजत के बगैर, छुप छुप के। मां बीमार है जवाब। झूठ बोल रही हैं आप। आप खुद तो वहां जाती हैं, हमारे खून को भी वहां लेकर जाती हैं। आप खुद ही मुझे बताएं, दूध पीती बच्ची को मैं कहां छोड़ कर जाऊं? सोचिए आप, एक बीमार माँ की बीमारदारी एक बेटी पर। माँ के साथ साथ वो एक तवाइफ भी है खुद बेगम। क्या वो अपने तमाशबीनों से मिलने के लिए आपको नहीं बुलाती? हरगिज नहीं। फिर झूठ बोल रही हैं आप। हमने तलाक देने से पहले पूरी छानबीन कराई है, जब जब आप वहां जाती रही हैं गालिब चौधरी भी मिलने आता रहा है आपसे।
गालिब चौधरी एक तमाश भी नहीं थी, मुखलिस इंसान है और उसने हम मां बेटे का बहुत साथ दिया। चाहने वालों से ज्यादा कौन मुखलिस हो। बहरहाल हम आपको तलाक दे चुके, हम ये तलाक नहीं मानते। ना माने, अगर आज से हमारा और हमारी बेटी का आपसे कोई ताल्लुक नहीं। बेटी मतलब क्या है आपका? मतलब ये है कि हम अपनी बेटी को हमेशा के लिए यहाँ से लेके जा रहे हैं। नहीं जलाल, एक तो आप मुझ बेकसूर को तलाक दे रहे और मेरी बच्ची को भी मुझसे छीन रहे। तो आप क्या चाहती, हम अपना पाक खून तुम जैसी तवाइफों के पास छोड़ के जाएं? जलाल देखिए, मेरी बच्ची को मुझसे बच्ची चाहिए। आप उस कोठीनुमा घर में अपनी माँ की तीमारदारी कीजिए और गालिब को अपने पर गालिब आने दो। मेरी बात सुने जलाल, मेरी बच्ची को नहीं लेके जाना अपने जलाल। पता चल गया है कि तुम इस शहर में हो। जलाल असल भी वसूल करूंगी और सूद भी। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी जिद में अब मैंने जगह जगह ना नचाया ना तो मेरा नाम भी खुल्द जान नहीं। सुबह से जो चिक चिक शुरू होती है ना इस घर के अंदर रात तक चलती है। क्या हो गया, ऐसा क्या कह दिया मैंने? मुसीबत बन गया है नदीम मेरे लिए। क्या बात है भाई, सुबह होता ये पिट 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 शुरू हो जाती है। अब ये अम्मा क्या बोल रही है? ये बोल रही है कि आप आज मेरी मंगनी करवा रहे हो उस फंगे नदीम से। हाँ तो क्या हुआ, तूने तो कहा था कि इम्तिहान से पहले शादी नहीं हो सकती, तो शादी नहीं हो सकती तो मंगनी तो हो सकती है ना भाई। अब्बा आप लोगों को मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ मेंटली। मैं किस तरीके से पढ़ाई करूंगी? मेरा दिमाग मेरी जगह पर नहीं है। बच्चों बोझा, मैं फटी चप्पल की तरह तेरे मुंह की सिलाई कर दूंगा, बता रहे हो मैं? क्या हो गया है आपको, किस तरह से जवान बच्ची से बात करें? आप अंदर जाएं, मैं इससे बात करती हूँ। नदीम है ना, उसने कहा है मैं मंगनी भी धूमधाम से करूंगा, इसे कहो मंगनी कर ले उससे। मैं भी बता रही हूँ आपको, मैं नहीं करूंगी उससे शादी वादी। तेरा तो बाप ही करेगा उससे शादी। क्या कर रहे जवान बच्ची के साथ? चप्पल ला मेरी। ये ले। इससे पहले कि नदीम मुझे मजीद मुसीबत में डाले, मुझे जल्द से जल्द ये कदम उठाना होगा। क्यों बंद कर रहे हैं बार बार? इसका फोन क्यों बंद जा रहा है मुसलसल? कल रात से फोन बंद है, जब से मैंने शादी की बात की है इसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा है। अल्लाह मियां, कहीं इसने सिम तो नहीं बदल ली? या अल्लाह, ये मेरे साथ फ्लर्ट तो नहीं कर रहा था? अल्लाह मियां, मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा?